उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास जब महाकाल लोक बनाया जा रहा था, उस दौरान पुरातत्व विभाग को कई तरह के अवशेष मिले थे, जिसमें 1000 साल पुराना शिव मंदिर भी शामिल था। अब पुरातत्व विभाग इन मूर्तियों को मंदिर में विराजमान करने जा रहा है। जुलाई महीने तक ये नया मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। उज्जैन के महाकाल लोक में इसे लेकर कैसी तैयारियां चल रही हैं, संतोष कृष्णानी की इस खास रिपोर्ट में देखिए। पुराने शिवलिंग, भगवान गणेश की प्रतिमा और पुरानी कलाकृतियां अब महाकाल लोक में विराजमान होने जा रही हैं। जल्द ही इन्हें महाकाल लोक में मंदिर बनाकर विराजमान किया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दिव्य अलौकिक दरबार को जब बड़ा किया जा रहा था, जब मंदिर परिसर का विकास कार्य चल रहा था, तब यहाँ पर जमीन खोदी जा रही थी। जमीन जब खोदी गई, तब यहाँ पर प्राचीन काल के वैभव अनुसार यहाँ पर कई प्रतिमाएं यहाँ पर मिली थी। गणपति जी की प्रतिमा हो, नंदी जी की प्रतिमा हो, कई बार तो यहाँ खुदाई के दौरान बड़े बड़े शिवलिंग भी यहाँ पर मिले थे। और खास बात यह कि और जब ज़्यादा खुदाई की गई तो यहाँ पर 1000 साल पुराना शिव मंदिर भी यहाँ पर खुदाई के दौरान मिला था। महाकाल लोक के निर्माण के दौरान पुरातत्व विभाग को कई तरह की कलाकृतियां मिली, जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। परिसर में प्राचीन मूर्तियों के अवशेष मिले, 1000 साल पुराना शिव मंदिर मिला, भगवान गणेश की प्रतिमा, नंदी की प्रतिमा, मंदिर के पिलर, पुरानी कलाकृतियां भी पाई गई। जुलाई महीने में मंदिर बनकर तैयार होगा। 37 फीट ऊंचे मंदिर में मूर्तियां रखी जाएंगी। महाकाल लोक में बन रहे मंदिर की तैयारियों का जायजा लेने पुरातत्व विभाग की टीम भी पहुंची थी। प्राचीन विरासत को संजोने के लिए टीम ने इन अवशेषों पर नंबरिंग की, जिसके आधार पर इन हिस्सों को जोड़कर प्राचीन मंदिर का स्वरूप दिया जा रहा है। और इसमें बड़ी बात यह है कि मंदिरों को उन्हीं पत्थरों से बनाया जा रहा है जो साल 2021 में खुदाई के दौरान मिले थे। असल में इस मंदिर की खुदाई जब उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा महाकाल कैंपस में विकास कार्य किया जा रहा था, उस समय जब ऊपर का मलबा हटाया जा रहा था, लगभग 20 फुट की गहराई पर इन मंदिर के अवशेष आए, प्रकाश में आए। और मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुरातत्व विभाग के मार्गदर्शन में इस मंदिर का साइंटिफिक डेवरी क्लियरेंस कराया गया। इसकी पर्याप्त स्टडी करने के बाद उसके पुनर्निर्माण का प्रस्ताव मैंने शासन को भेजा। शासन से स्वीकृत होने के बाद ये मंदिर का काम प्रारंभ कर दिया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश यादव ने ये भी बताया कि अवशेष में मिली मूर्तियां 11वीं सदी की हैं, जिन्हें राजा भोज ने बनवाया था। प्राथमिकता है कि मंदिर हम 31 जुलाई तक पूरा करें, तो समय के ऊपर है। अगर कोई किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होता, चाल मिलती रहती है, तो हम टारगेट 31 जुलाई तक करेंगे। इसका एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है वो 65 लाख के लगभग है। इस मंदिर का निर्माण मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग कर रहा है। आने वाले जुलाई के महीने में मंदिर बनकर तैयार होगा, जिसके बाद श्रद्धालु बाबा महाकाल के साथ साथ 1000 साल पुराने शिवलिंग के दर्शन भी कर पाएंगे। संवाददाता पुनित विजयवर्गीय के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़।